ये एपिसोड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। हर किताब की एक बर्थ हिस्ट्री होती है और इस किताब का जन्म हुआ है उस ऑथर के हाथ जो ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उन पेशेंट्स का ध्यान रखती थी जो अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज में वहां आते थे। इन्हीं पेशेंट से बातचीत के दौरान ब्राउनी ने रियलाइज किया कि हर मरते इंसान के मन में कोई ना कोई रिग्रेट जरूर था। और कमाल की बात यह थी कि पेशेंट्स में आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन उनके रिग्रेट्स सिमिलर थे। उन्हीं में से टॉप 5 रिग्रेट्स के बारे में ब्राउनी ने अपनी किताब में लिखा है, जो कि अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ताकि आप वो रिग्रेट्स ना दोहराएं। रिग्रेट नंबर 1, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह करे बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। हर मरते इंसान के मन में ये रिग्रेट था कि वो पूरी जिंदगी ये सोचते रह गए कि लोग क्या सोचेंगे और कभी अपने मन की नहीं करी। ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या सोचेंगे, वहां मत जाओ, लोग क्या सोचेंगे, ये मत करो, लोग क्या सोचेंगे। और आज जब वही लोग अपने डेथ बेड पर हैं, मरने जा रहे हैं, और जिन लोगों की परवाह में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, उनमें से एक इंसान मिलने नहीं आया। कुछ लोगों ने अपने मनपसंद पार्टनर से शादी नहीं करी, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोगों ने अपना पैशन फॉलो नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों ने अपनी ड्रीम जॉब फॉलो नहीं करी, लोग क्या सोचेंगे। नाउ आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू टू गेट रेबेलियस, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिन चीजों में आप बिलीव करते हैं उनके लिए एक स्टैंड लीजिए। अगर आप पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा। रिग्रेट नंबर 2 जो ज्यादातर मेल्स को था, वो ये था कि काश मैंने इतना काम ना किया होता, काश मैंने अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम बिताया होता, काश मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा होता। यहां ऑथर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हार्डवर्क मत कीजिए, बट इफ यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल एट द कॉस्ट ऑफ योर यूथ, वो प्राइम टाइम जो आपकी लाइफ में कभी लौट के नहीं आने वाला है, देन यू आर पेइंग अ फिनोमिनली हैवी प्राइस फॉर दैट सक्सेस। तो अपनी लाइफ को प्लान कीजिए, जो लोग आपके दिल के करीब है ना, उनके लिए समय निकालिए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा। रिग्रेट नंबर 3, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं लोगों को अपनी फीलिंग्स बता सकती। और फीलिंग्स से यहाँ ऑथर का मतलब सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। काश मैं अपनी माँ को बता सकती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। काश मैं अपने भाई से कह सकती कि वो मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। काश मैं अपनी कजन को बोल सकती कि एक दिन उसने मेरा कितना दिल दुखाया। डे टू डे लाइफ में जो लोग हमारे नजदीकी हैं, जो हमारे दिल के करीब हैं, या तो हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सोचते हैं चलो छोड़ो आज नहीं फिर कभी कह देंगे, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि आपको कह देनी चाहिए, इंतजार मत कीजिए, उसे बोल दीजिए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा। रिग्रेट नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता, उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करता। और याद रखिए, ये वही दोस्त हैं जिनके बिना एक समय पर हमारी जिंदगी नहीं चलती थी। माना अब वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए होंगे, जॉब के लिए बाहर चले गए होंगे, लेकिन वी लिव इन अ गोल्डन एरा। आप उन्हें फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज गेट बैक टू योर फ्रेंड्स, वरना दोस्तों को खो देने का रिग्रेट आपको भी जरूर होगा। रिग्रेट नंबर 5, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हर मरते इंसान ने यह बात मानी है कि उसे पता था उसे किस चीज से खुशी मिलती है, पर उसने अपने आप को वो काम नहीं करने दिया, या जिंदगी भर ये सोचा कि उसकी खुशी किसी और से जुड़ी है। आपकी खुशी का कंट्रोल आपके खुद के हाथों में है, और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लो ना, उतना आपके लिए अच्छा है, वरना ये रिग्रेट आपको जरूर होगा। आपने कभी किसी मरते इंसान को ये कहते सुना है कि काश मैं एक बंगला और बना लेता, काश मैं एक प्लॉट और खरीद लेता, काश मैं थोड़ी ज्वेलरी और बनवा लेती? नहीं ना, मरते समय मटेरियलिस्टिक चीजों का रिग्रेट नहीं होता। रिग्रेट उन चीजों का होता है जो हमारे आसपास थी, हमारी रीच में थी, लेकिन हमने फिर भी उनकी कदर नहीं करी।